मैं हूँ भावना, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 91 उदयपुर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण, राजीनामे से दिलवाया पीड़ितों को उनका हक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे उदयपुर न्याय क्षेत्र के न्यायालयों में शनिवार को किया गया। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रभा शर्मा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 35 बेंचों का गठन किया था। इस लोक अदालत का आयोजन उदयपुर मुख्यालय एवं मावली, वल्लभनगर, भींडर, कानोड़, सराड़ा, सलुम्बर, झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा के न्यायालयों में किया गया। अधिवक्ता भी पक्षकारों को समझाइश में लगे रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा पी लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले एवं अन्य प्रकरणों का भी हाथों हाथ निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक एवं अन्य सरकारी विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी उदयपुर जिला न्यायालय परिसर में मौजूद रहे। सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण बैंक लोन एवं अन्य बकाया भुगतान को चुकाने एवं हमेशा के लिए कोर्ट कचहरी से छुटकारे के लिए पक्षकारों को अधिकाधिक रियायत दे रहे थे। कई पक्षकारों ने प्री लिटिगेशन लोक अदालत की बेंच में अपने मामलों का निस्तारण करवाया। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अरुण गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अलग अलग तीन मामलों में पति एवं पत्नी को समझाइश कर घर भेजा। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण 2 की न्यायाधीश ममता व्यास ने एक दावे में पति की मृत्यु दुर्घटना से होने पर पत्नी को 75 लाख का चेक बीमा कंपनी से दिलवाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया। एनआई एक्ट केसेस 2 के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णा राकेश कानावत ने एक प्रकरण में राजीनामा करवाते हुए 1,67,30,000 का अवार्ड जारी किया। आज 2018 की चौथी लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें 7,776 केसेस जो हमारे यहाँ लंबित हैं उन्हें रखा गया है और प्री लिटिगेशन के 4,000 से ऊपर केसेस रखे गए हैं। लास्ट पिछली जो लोक अदालत हुई उसमें 2,054 केसेस निस्तारित हुए थे, जिनमें पेंडिंग केसेस 1,174 थे। अभी तक MST में 2,75,000 रुपये के चेक वितरित किए गए हैं और फैमिली कोर्ट में 3 जोड़ों को राजीनामा कर साथ भिजवाया जा चुका है। अभी हमारे प्रयास जारी हैं, देखते हैं नतीजे क्या आएंगे। आज हम इस साल के चौथी लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं और आज लगभग सभी न्यायालयों ने, उदयपुर न्याय क्षेत्र के न्यायालयों ने मिलकर करीब हमने 12,000 से ऊपर प्रकरणों को आज लोक अदालत के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 7,700 प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट में अभी विचाराधीन हैं और गत लोक अदालत में हमें करीब 2,000 प्रकरणों की निस्तारण की सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। ये जो प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से हम निस्तारित करते हैं, इनका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि ये हमेशा के लिए तय कर दिए जाते हैं। कोई अपील, कोई रिवीजन, कोई आगे का लेन देन कुछ भी हम बाकी नहीं रखते। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी। जिला विधिक प्राधिकरण उदयपुर की ओर से शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। उदयपुर न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के अंतर्गत उन मामलों की सुनवाई की गई जिनमें प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य अदालतों में अलग अलग लोक अदालतों के तहत सुनवाई हुई ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके और लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि विभिन्न अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई में देरी होने से काफी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन समय समय पर लगने वाली लोक अदालतें इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और उदयपुर में आयोजित लोक अदालत के प्रति लोगों में अच्छा रुझान भी है। आशार्थियों ने मामलों के निस्तारण के लिए अलग अलग अदालतों में प्रार्थना दायर की और उनकी सुनवाई के बाद उनका निस्तारण किया गया।
लोक अदालत की इंचार्ज रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के दौरान अलग अलग न्यायालयों में 7000 से ज्यादा मामलों में सुनवाई हुई है और लोक अदालत में जिन मामलों में समझौता होता है उनमें न तो आगे किसी तरह की सुनवाई होती है। वहीं जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश प्रभा शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कई ऐसे मामलों का निस्तारण किया गया जो कि 2 दशकों से ज्यादा समय से लंबित पड़े थे। आज हम इस साल की चौथी लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं और आज लगभग सभी न्यायालयों ने, उदयपुर न्याय क्षेत्र के न्यायालयों ने मिलकर करीब करीब हमने 12000 से ऊपर प्रकरणों को आज लोक अदालत के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 7700 प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट में अभी विचाराधीन हैं। और गत लोक अदालत में हमें करीब करीब 2000 प्रकरणों की निस्तारण की सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। ये जो प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से हम निस्तारित करते हैं, इनका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि ये हमेशा के लिए तय कर दिए जाते हैं। कोई अपील, कोई रिवीजन, कोई आगे का लेन देन कुछ भी हम बाकी नहीं रखते हैं। ऐसा माना गया है कि यदि मध्यस्थता के माध्यम से या आपसी राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण होता है तो वो अंतिम रूप से होता है। खासकर इसमें जो सफलता हमें मिलती है वो है पारिवारिक मामले, पति पत्नी के मामले या भाइयों के मामले हैं, कोई किराएदारी के झगड़े हैं, इंश्योरेंस के क्लेम्स में हमने बहुत सफलता प्राप्त की है। आज ही हम 75 लाख के क्लेम का सेटलमेंट करा रहे हैं, चेक की राशि हम पीड़ित को अदा करा रहे हैं। इसके अलावा जो NIE एक्ट के प्रकरण हैं, जो चेक बाउंस के मामले जिनको हम आमतौर पर कहते हैं, उनमें हमें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। साथ ही प्री लिटिगेशन भी एक हमारी अलग से यूनिट बन गई है। प्री लिटिगेशन वो यूनिट है जिसमें कोर्ट में आने से पहले मामलों को हम कोशिश करते हैं तय कराने की। गत लोक अदालत में हमने करीब 850-900 केसेस ऐसे तय कराए थे। तो प्री लिटिगेशन के माध्यम से हमें ये सफलता मिलती है कि जो मुकदमों का अंबार एक भर रहा है कोर्ट में, उसको हम पहले कोशिश करते हैं कि कोर्ट में आने से पहले ही कहीं ना कहीं राजीनामे के माध्यम से वो तय हो जाए। आज 2018 की चौथी लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें 7776 केसेस जो हमारे यहाँ लंबित हैं उन्हें रखा गया है और प्री लिटिगेशन के 4000 से ऊपर केसेस रखे गए हैं। पिछली जो लोक अदालत हुई उसमें 2054 केसेस निस्तारित हुए थे, जिनमें पेंडिंग केसेस 1174 थे। उससे ज़्यादा केसेस निस्तारित होने की संभावना है, हम लोग सब प्रयासरत हैं। अभी तक MST में 2,75,000 रुपये के चेक वितरित किए गए हैं और फैमिली कोर्ट में 3 जोड़ों को राजीनामा कर साथ भिजवाया जा चुका है। अभी हमारे प्रयास जारी हैं, देखते हैं नतीजे क्या आएंगे। हम पूरे सफल आयोजन की कामना करते हैं। किस तरह के सुलह का मंच बन रहा है लोक अदालत में, तो फायदा होता है लोक अदालत के आयोजन? लोक अदालत के आयोजन से जो ओल्ड केसेस हैं, 96 और 94 के केसेस भी हमने रखे हैं, जो 96 से जो पक्षकार लगातार कोर्ट में आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे निपटाने की कोशिश की जा रही है और संभावना पूरी है कि मेरे यहाँ भी एक 96 का केस रेड कंट्रोल एक्ट का।